अधिकतर जीव व्यवहार में ही संतुष्ट हैं। अभी अपन किसी और की चर्चा नहीं करेंगे, आप अपने आप को देखो गहराई से, आप काय में संतुष्ट हो? आप जो इतनी शांति से बैठे हुए हो, आपको आकुलता नहीं हो रही कि मुझे आत्मा नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मैंने भेद ज्ञान नहीं किया तो मेरा क्या होगा, ये आकुलता नहीं हो रही ना? तो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आत्मा तो मिला नहीं, वेद ज्ञान करते नहीं, तो फिर काय की दम पे बैठे हो? ये व्यवहार की दम पे बैठे। ये जो सुबह मंदिर आ गए, पूजा पाठ प्रक्षाल कर लिया, आधे घंटे घंटे का स्वाध्याय सुन लिया, इसकी दम पे तुम बहुत शांति से जी रहे हो, तुम्हें लगता धर्म अपन बहुत कर रहे हैं। अब देख लो कितने लोगों की हालत है बताओ, एक लेके आओ ये मेरे पास जो झटपटा रहा हो वेद ज्ञान के लिए, जो कह रहा हो अरे साहब कुछ नहीं होता ये दयादान पूजा भक्ति से, कुछ दम नहीं, बेकार की बात है, मेरे को आत्मा का श्रद्धा नहीं हो रहा, ये बोलने का बाला दिख रहा है कोई? ऐसा तो बोलते हैं कि ये बात तो आप ठीक कहते हो, आत्मा के अनुभव के बिना कुछ नहीं है, लेकिन दयादान पूजा भक्ति भी तो करना चाहिए। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, वो हमें पता है, तुझे पता ही है तुझे उसकी कोई प्यास नहीं है, आत्मा के बिना धर्म नहीं होता ये तुझे पता ही है, ऐसा कोई श्रद्धान और विश्वास और प्यास नहीं है, इसलिए तो आत्मा की तरफ देखते नहीं। पूजा पाठ भक्ति छुड़ा दो तो ये मछली की तरह तड़पड़ाएगा। क्यों तड़पड़ाएगा? क्योंकि दयादान पूजा भक्ति छोड़ दे, उसे घबराहट होती, अरे मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मेरा पापों में जीवन चला जाएगा क्या? इसलिए लोग 50-60 की उम्र तक बहुत पैसा जोड़ते हैं, बहुत पागलों की तरह, और फिर उनको घबराहट सी होने लगती है, जब शरीर साथ देना छोड़ता है उनको लगने लगता है अब तो मरने का समय आ रहा है बड़ा, तो जल्दी दान करने लगती है, तो वो दान से उनको संतुष्टि मिल जाती है कि हमने जो पाप करे थे। नहीं समझ में आया? लोग मंदिरों में दान क्यों देते फिरते हैं? उनको दान करके संतुष्टि मिलती है कि हमने 1,00,000 रुपया कमाया था, 10,000 रुपये दे दिए मंदिर में, तो अब 90,000 रुपये की छूट मिल गई। पकड़ में आया? ये सब ये मन को संतुष्ट करता है व्यवहारावास। और अपने को अंदर देखोगे तो आपको जो कुछ भी आकुलता हो रही है वो आत्मा की नहीं हो रही है, वो आकुलता भी आचरण की हो रही है। अभी मेरे जीवन में बाजार का भी थोड़ा बहुत ले लेता हूँ, अशुद्धता का पूरी तरह त्याग नहीं हुआ है, घर गृहस्थी में भी बहुत झंझट है, व्यापार भी नहीं छोड़ा है, इसकी आकुलता तो थोड़ी बहुत कभी कभी होती भी है। क्यों होती है पता है? क्योंकि इसे डर लगता है इसके कारण मैं नरक चला जाऊँगा, या कुगतियों में घूम जाऊंगा, या कर्म बंद हो रहा होगा, लेकिन मुझे आत्मा नहीं मिला, मुझे आत्मानुभूति नहीं हुई, तो चार गति की परिभ्रमणा चलेगी। चार गति याद नहीं आती जीव को, हमेशा कितनी गति याद आती है? त्रयंच गति और नरक गति, और त्रयंच भी कम याद आती है, ज्यादा कौन सी गति याद आती है? नरक। और सम्यक दृष्टि जीव वो है जिसे चारों गतियां ही दुख रूप दिखाई देती हैं, वो कहता है अरे संसार में चारों गतियां ही दुख रूप हैं, इसलिए मुझे किसी गति की बात ही नहीं है, मुझे अपनी आत्मा ही चाहिए। और मिथ्या दृष्टि जीव ये दयादान पूजा भक्ति भी स्वभाव भी मात्र एक स्वर्गादि की चाय, पुण्य की चाय, अनुकूलता की चाय, पुण्य के उदय की चाह में करता रहता है, अंदर से तो वो स्वभाव करता नहीं। देखो अपन स्वभाव करते हैं कि नहीं बताओ ईमानदारी से, मैं 10 दफे बोलता हूँ ये बात, देखो भाई तुम जिसे स्वभाव कहते हो वो स्वभाव नहीं है। नहीं समझ में आया? देखो इंजीनियर साहब, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप रस्ते में थे और मैंने देखा अरे इंजीनियर साहब कोई तकलीफ, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, समझना मेरी बात, मैं आपकी हेल्प क्यों कर रहा हूँ? प्रश्न है,
या आप मिल गए मैं आपको, और जय जिने साहब और क्या हाल है और सब ठीक है और बढ़िया, मैं कर रहा हूँ ये व्यवहार क्यों कर रहा हूँ बताओ, बता सको तो बताओ। मैं अभी सिद्ध करूँगा कि ये व्यवहार भी तुम्हारा कितना झूठा है। तुम ये जो करते हो इसमें पूरा गुणा भाग लगाते हो कि ये आदमी काम का है, ये आदमी प्रतिष्ठित है, ये आदमी भविष्य में काम आ सकता है, इस आदमी से दोस्ती इसके साथ खड़े होने में मान सम्मान की बात है। हेलमेट है ना, और अगर इंजीनियर साहब की जगह कोई गरीब जैन जा रहा हो जिसे तुम जानते हो तो तुम कोशिश करते हो कि इसकी नज़र मेरे पे नहीं पड़ जाए या साइड से निकल जाओ, या अगर वो बेचारा जजनेंद भी कर रहा होगा और भाई साहब कर रहा होगा, हाँ ठीक है जजनेंद सब बढ़िया निकल जाओ, तुम्हारा ये स्टाइल क्यों बदल गया, इसके लिए तुम दो मिनट क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि इससे तुम्हें कोई भी प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं दिखी। चलो और आ जाओ, पारसनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, देख देखना मास्टर जी, देखा है मास्टर जी, नहीं देखा, सुचि निर्मल नीरम गंध सुख जत चरुले मन जाती तू पला सुले कर नाच दल मन से आदि नाथ के चढ़ कौन मन बलबल जाओ मन बच गाए कर्ण दी बहुत मन तो याद ओम से आदि चंदन भाव दी स्वा सजी आठों को प्रीति आठों को पूजो पुष्टम जन की दृष्टम से चंदन दी चंदन 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 और चंदन आ चंदन और वस्तु समाई तुम लिख जाए गाय दिख भाई बहुत आदि रणा दारी आदि दाई से नहीं जाते और पाशनाथ कहते नीरगंध अक्षतान पुष्प चारुली। इसी सर्ग में क्यों रोक गया तुमने, इस अर्घ में क्या बात हो गई, पारसनाथ से विशेष प्रेम है, क्योंकि पारसनाथ भलो विराजो जी, समझ में, ये दुख हरने वाला है तो वो भगवान में भी भेद कर देता है। और लिखा भी है पारसनाथ देव सेव आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष। अब निवास माने क्या, कौन सा निवास मांग रहे भगवान से है, वो दीजिए निवास माने मोक्ष निर्वाण, और ये वो अर्थ नहीं लगाता, ये अर्थ लगाता माल पानी, खेल में है ना, और तो तुम तो भगवान को भी नहीं छोड़ते राग देश करने में, बोलो किसी और को क्या छोड़ोगे, अब बताओ ये स्वभाव है क्या, स्वभाव जहाँ इतना खोटा अभिप्राय हो वहाँ स्वभाव हो जाएगा, भले ही तुम्हारी हम पीठ थपथपा दे कि तुमने भगवान की पूजा पाठ भक्ति करी है तो स्वभाव है पुण्य बंधा होगा, जरूरी नहीं है पुण्य बंधा होगा, हो सकता है मैंने घर पर बैठ के तुमसे ज़्यादा पुण्य बांधा हो, 100% बोल रहा हूँ, बोलो दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि तुम अकेले में तो पुण्य बांध भी सकते हो, भीड़ में तो पुण्य बांधने की गारंटी हो जाती है, क्योंकि भीड़ होते ही तुम्हारे मन चंचल हो जाता है, तुम्हारे परिणाम अस्थिर हो जाते हैं, तुम्हारी कसाएँ ऊर्ध हो जाती हैं, तुम्हारी मान सम्मान की चाय बढ़ जाती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो हम निश्चल प्रेम नहीं करते किसी को, हम बिना स्वार्थ के कुछ काम नहीं करते कुछ भी, नहीं समझ में आया, देख लेना तुम जगत के जीवों की हालत, पड़ोसी का पेड़ सूख रहा हो तो कोई पानी नहीं देता, कहता बोझा ना उसका काम जाना, जबकि वो पेड़ पड़ोसी का और तुम्हारा भेद नहीं करता, उसमें से जो ऑक्सीजन निकलेगी वो तुम्हारे घर में भी भेजेगा और वहाँ भी भेजेगा, बोलो क्या गजब का सुनो, इसलिए मैं कहता हूँ निश्चल प्रेम करना सीखो, तुम इंसानों से निश्चल प्रेम नहीं करते तो कम से कम जानवरों से करना सीखो, जानवरों से नहीं करते तो पेड़ पौधे पत्तों से करो, करो तो किसी से एक बार हृदय से किसी को सच्चा प्रेम तो करो मेरे भाई, बिना स्वार्थ के
जहाँ तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं हो, बिना स्वार्थ के जय जिनेन्द्र तो करो, एक बार हृदय से जय जिनेन्द्र करो किसी को बिना स्वार्थ के, कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें पता है ये आदमी बिल्कुल काम का नहीं है, फिर भी तुम उससे गले मिल सको, उसके पास 5 मिनट खड़े हो सको, करके देखो। नहीं समझ में आया? गरीब आदमी से बिल्कुल बुद्धिपूर्वक 5 मिनट बात करो, जबकि दिख रहा है कोई काम का नहीं, फिर भी करो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि हम कितने खतरनाक हैं। हम बिल्कुल स्वार्थ की जिंदगी में जीते जीते अपने को भूल गए। यही तो हुआ हमारे साथ, क्यों हमारे अंदर प्रेम नहीं बचा, करुणा नहीं बची, बिल्कुल रूखे हो गए अपन। ख्याल में आए ना, बिल्कुल रूखे हमारे अंदर। अरे हम इतने रूखे हो गए मास्टर जी कि अपने सगे माँ बाप के साथ जो आज व्यवहार कर रहे हैं ना लोग, वो इसलिए कर रहे हैं कि अंदर प्रेम नहीं है। और वो दिखता है कि हमें बूढ़े माँ बाप कुछ काम के नहीं है, तो बस उनसे प्रेम भी नहीं करते, और बच्चों के लिए मरे जाते, देखते कि नहीं देखते। कितना स्वार्थ बना है जगत का। इसलिए गहराई से शांति से बैठ के ये वस्तु स्वरूप का विचार करना है।